अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ मूंग होल दाल, ग्रीन वाली। तो ये वाली दाल है, तो ये मैंने क्या किया कि हाफ इसको मैंने ना मतलब पहले बॉईल कर लिया, फुल डन है ये। बॉईल में मैंने पूरा इसको बॉईल कर लिया है पानी में, बगैर कुछ नमक डाले कोई मसाले डाले, सिर्फ ये बॉईल दाल है। और जो ऑयल हमें चाहिए होगा, तीन मैंने इसमें ग्रीन चिली ली है गार्निश के लिए, कुछ उसमें डाल दूँगी। और ये हमने जंजर काटा है, ये भी हम ऊपर से गार्निश में डालेंगे। और ओनियन है हमारी, मैंने दो मीडियम साइज़ की ओनियन ली है। कोरिएंडर है फ्रेश, ये भी ऊपर से डालेंगे। और टमाटो हैं, तीन मीडियम साइज़ टमाटोज हैं इसके अंदर। और वन टेबल स्पून गार्लिक है, खाली गार्लिक है। और ये चिकन क्यूब्स हैं, चिली पाउडर है, हाफ चिली पाउडर मतलब हाफ टी स्पून मैंने चिली पाउडर लिया है। टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर है इसके अंदर हाफ टी स्पून। गरम मसाला मेरा होममेड है, चेक कर लीजिएगा, ये भी हाफ टी स्पून है। और वन टी स्पून जो है क्यूमन सीड्स हैं, ज़ीरा वन टी स्पून, सॉल्ट वन टी स्पून, क्योंकि इसमें चिकन क्यूब्स है तो आप नमक को कम ही डालिएगा, ये ना हो गया क्योंकि ये भी सॉल्टेड होती है, ये भी सॉल्ट ज़्यादा सॉल्ट ना हो जाए। तो आगे बनाना शुरू करते हैं। हाँ जी, ये देखें इसके अंदर मैं आप पतीली रख ली, मैंने स्टूडियो से अपना ओवन ऑन कर दिया है। और मैं इसमें 3 serving spoon ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हम ओनियन डालते हैं, दो मीडियम साइज की प्याज हैं, ओनियन प्याज दो मीडियम साइज की, और हम अपना गार्लिक डाल देते हैं, 1 tablespoon गार्लिक चला गया। अब इसको ब्राउन करती हूँ मैं, जब तक ब्राउन होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ ब्राउन करते हैं इसको। देखें जी, ये ना देखें प्याज जो है ना पिंक कलर की हो गई है, मतलब ब्राउन होना शुरू हो गई है। मैं अपने इसमें, ये मेरे पास चिकन क्यूब्स हैं, चिकन क्यूब डालते हैं हम इसमें। नमक का ज़रा सही करिएगा क्योंकि ये भी सॉल्टी होती है, आपका नमक भी अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो वो डबल नमक सॉल्ट ना हो जाए, तो इस वजह से चेक कर लीजिएगा सॉल्ट। इसको बीच में मिला देते हैं, मिलाने के बाद जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं, सारे गरम मसाला है, गरम मसाला, ज़ीरा, नमक, चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं। मैं आपको दिखाना भूल गई थी, इसमें एक गिलास है, ये देखें दूध का गिलास है, हाफ ग्लास, ये भी इसमें ऐड करेंगे मगर थोड़ी देर बाद, मगर मैं आपको दिखाना भूल गई थी तो मैंने बता दूँ। टमाटर डालेंगे इसमें, सारे टमाटर चलेंगे दोनों, पानी जाएगा, जो हमारी दाल है ये इसमें हम डाल देते हैं।
ग्लास दूध बताया था आपको, हाफ ग्लास दूध है इसमें, ये भी चला गया। अब इसको हम तकरीबन 10-15 मिनट आप हल्की आंच पे रख दें और छोड़ दें। जब आप देखेंगे कि ऑयल आपका ऊपर आने लग गया, ऑयल आ जाएगा तो इसका मतलब है कि दाल रेडी है, क्योंकि हमने गार्लिक को फ्राई कर चुके थे, ऑनियन फ्राई हो चुकी थी, टमाटो भी ग्राइंड हो चुके हैं, तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि मसाला कुछ पकने वाला हो। तो बस ये 15 मिनट तक इसे स्टीम में देते हैं, फिर उसके बाद इसमें ज़रा सी हम ये अदरक जो है इसके ऊपर अंदर डालते हैं, थोड़ी सी गार्निश के लिए रख लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं, और एक हरी मिर्च को मैं तोड़ के ऐसे डाल देती हूँ। बस इसको हल्की आंच पे रखते हैं, मीडियम लो पे इसको 10 मिनट तक कुक करते हैं, क्योंकि इसमें पानी वानी ज़्यादा है नहीं, तो ज़्यादा देर तो हाई फ्लेम पे नहीं पहले पकाएंगे, नहीं तो ये लग जाएगी। तो ये आप चेक करते रहें, जैसे आपको ऑयल ऊपर आ जाएगा मैं फिर आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें हमारी दाल हो गई है, पक गई है। मैं इसको इसका फ्लेम बंद करती हूँ, क्योंकि गली भी तो पहले ही थी, बॉयल तो पहले थी दाल, तो ये इसका फ्लेम बंद करती हूँ, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी देखें दाल मैंने अपनी डिश आउट कर ली है, दाल करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा असली घी डाल रही हूँ, इसको अचार के साथ असली घी के साथ खाएं, घर की रोटी हो या तंदूर की रोटी उसके साथ अच्छी लगेगी। और मुझे ज़रूर बताएं आपको ये डिश कैसी लगी, दुआओं में जी याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।